कारीन, आप भी अगर बर्ड का बिजनेस, लबर्ड का बिजनेस करना चाहते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा है आपको बताऊं कि इनके लिए तो एसी लगना ही लगना है, आपके घर में भी एसी लग जाना है। आप अगर सोना चाहें तो यंग जो अगर सो सकते हैं। ब्लू मिस्टी, ये ब्लू मिस्टी स्प्लिट ऑफ लाइन का मेल है और उसके पीछे है ग्रीन ब्लूइंग ऑफ लाइन स्प्लिट पार ब्लू की फीमेल है। सारे बच्चे मुझे पार ब्लू आते हैं चंदा। ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफ लाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है, इसके साथ पार ब्लू ब्लूइंग ऑफ लाइन की मेरे पास है। छोड़े हुए मैंने प्राइस के में, ये तकरीबन इनकी एज है तकरीबन मैक्सिमम 6 मंथ। फीमेल है, ये सारी फीमेल है, डीएन है, सेम वर्किंग के लिए। आपके लिए फोर सेल, ये भी फोर सेल, ये नीचे जितने भी हैं। नाज़रीन, मैंने बोला था आपका मेज़बान रिजवान अली राना आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ एमएस एवरी पे, जो कि मियां शोएब साहब हैंडल कर रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे क्वालिटी बर्ड्स लगाए हुए हैं। अगर मैं आपको सबसे पहले दिखाता चलूँ इनका शेड, माशाल्लाह से बहुत ही प्रॉपर तरीके से इन्होंने मेनटेन किया हुआ है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एसी लगा हुआ है इनके, इनको टेम्परेचर अच्छा देने के लिए, इनकी अच्छी ब्रीड लेने के लिए। गर्मियों के जैसे कि आपको पता है सीज़न में गर्मी बहुत होती है, सेंसिटिव बर्ड है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाता गर्मियों में, तो इसलिए इन्होंने इसके शेड के अंदर एसी लगाया हुआ है। और माशाल्लाह से इसके अलावा अगर थोड़ा सा नॉर्मल मौसम होता है तो इन्होंने कूलर भी लगाया हुआ है जिसमें वो कूलर चलाते हैं। तो हम आज आपको मियां शोएब साहब का जो सेटअप है वो सारा विजिट करवाऊंगा। माशाल्लाह से कमर्शियल बर्ड, क्वालिटी बर्ड लगाए हुए हैं। आज इनसे डिटेल में बात करेंगे, इस सीज़न में जो कमिंग सीज़न आ रहा है कौन से बर्ड पे ये काम करने, वर्किंग करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई कैसे हैं आप? ये लगा बड़ा शुक्र है। मेरे भाई आपका मैंने ये सेटअप देखा, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है। आपने एसी बहुत अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करके रखा हुआ है, बर्ड बहुत ही चाश-बचाश खुश हैं और ब्रीड भी अच्छे तरीके से करेंगे। अब मैं ये बताते चलिए इस सीज़न में आप कौन से बर्ड पे ज़्यादा काम करने जा रहे हैं। जी सबसे पहले थैंक यू कि आप आए हैं, और जो सा मैं बर्ड के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि मेरी बर्डिंग ज़्यादा कमर्शियल बर्ड के ऊपर ही है, पेल फेलोज के ऊपर। पेल फेलोज भी कमर्शियल है, रेड आई है ना असल में, रेड आई जो से बर्ड है वो हर एक की डिमांड होती है कि हमें रेड आई बर्ड आना चाहिए, हमारे शेड के अंदर होना चाहिए, तो ज़्यादा मेरा रेड आई के ऊपर ही फोकस है। सही हो गया। तो हमें ये बताते चले, जैसा कि आपने ये बर्ड का सेटअप माशाल्लाह से बहुत ही एक्सपेंसिव भी है, काफ़ी अच्छे कमर्शियल बर्ड लगाए हैं, ये आप कब से स्टार्ट किया हुआ है, कब से आपको शौक है? भाई मुझे इसके अंदर 4 साल हो गए हैं, तो हॉबी के अंदर आए हुए एंट्री जैसे कहते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम की थी तो मैंने बजरी घर से स्टार्ट किया था, वहाँ से एक सीज़न लगाया, एक सीज़न के बाद फिर मैंने देखा कि मुझे आउटपुट यानी कि इनपुट हुई, मुझे पैसे बचे हैं, फिर मैंने कॉमन लटीनों से स्टार्ट किया, कॉमन लटीनों रख के साथ मैंने फिर अल्बाइनो कुछ पेयर ऐड किए हैं, अल्बाइनो के साथ फिर मैंने 1 साल लगाया, देखा कि मुझे पैसे बचे हैं, फिर मैंने एक्चुअल असल इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी। पेल फेलो ओपलाइन की वर्किंग के मेरे पास माशाल्लाह कोई 11 पेयर लगे हुए हैं, क्रीमिनो के हैं कोई ओपलाइंस पेयर, पार ब्लू ओपलाइंस, पार ब्लू यूविंग ओपलाइंस के कोई मेरे पास 10 पेयर लगे हुए हैं, इस तरह यानी कि टोटल। आप स्टेप बाई स्टेप आगे चल, मैं स्टेप बाई स्टेप चढ़ाऊँ, मैंने जल्दबाजी नहीं की इस हॉबी के अंदर। जो न्यू फैंसियर जो काम करना चाहते हैं उनको आप क्या कहेंगे, कहाँ से स्टार्ट करें वो? देखिए जो न्यू फैंसियर है, सबसे पहले मैं यही मशवरा दूंगा कि सादा पार ब्लू लगा लें, आप साथ सिकरी लगा लें, पार ब्लू यूविंग का मेल ले लें या फीमेल ले लें, साथ सिकरी लगा लें, बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने थोड़ा ऊपर जाना है, आप क्रीमिनो लगा लें। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने और ऊपर जाना है, मेरा एक्सपीरियंस है, आप फिर ओपलाइंस की वर्किंग के अंदर आ जाए, जो ट्रेंड चल रहा है इस समय, ट्रेंड के साथ साथ बर्ड ऐड करिए। नाज़रीन, आप भी अगर बर्ड का बिजनेस, लबर्ड का बिजनेस करना चाहते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा है आपको बताऊं कि इनके लिए तो एसी लगना ही लगना है, आपके घर में भी एसी लग जाना है। आप अगर सोना चाहें तो यंग जो सो सकते हैं, इनके शेड में ही ठंडी हवा आ रही है, लेकिन एक शर्त है, इनको साइलेंट मोड पे लगाना पड़ेगा आपको। तो मियां शोएब साहब, हम चलते हैं आपका फर्स्ट पेयर दिखाते हैं, कौन सा वाला है ये सबसे पहले वाला, कौन सा पेयर लगाया हुआ है आपने? ये भाई जान ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफ लाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है, इसके साथ पार ब्लू यूविंग ऑफ लाइन की मेरे पास हैन है। इसका क्या रिजल्ट, क्या प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं इसके अंदर? मेल फीमेल दोनों मुझे अप्लायंस के अंदर आएंगे, अप्लायंस में आ रही हैं। अप्लायंस का इस दफा ट्रेंड चल रहा है, लोग कहते हैं अप्लायंस जोन्स है कि रेट कम हो गया है, मैं देखता रहता हूँ फेसबुक पे भी होता है रेट कम हो गए, इस तरह हो गया, कुछ भी नहीं, क्वालिटी बर्ड जो सा भाई बर्ड है ना, क्वालिटी वो सेल होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो सेल हुआ है, इसलिए कहते हैं क्वालिटी बर्ड रखें और ब्रीड करवाएं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बरकत डाल ली है, इंसान का कोई काम नहीं है इसके अंदर, सिर्फ बर्ड ने पहचान बनानी होती है, पहचान अच्छी क्वालिटी का, अच्छे रेट पे। बिल्कुल। नेक्स्ट वाला कौन से वाला बर्ड है? ये सर जी वायलेट पेल फेलो है, पॉसिबल स्प्लिट ऑफ लाइन का मेल है इसके अंदर, ठीक है, और पार ब्लू ऑफ लाइन की है इसके अंदर, स्प्लिट पेल फेलो की, इसके अंदर मेल फीमेल दोनों आएंगे, मुझे पेल फेलो आएंगे, ब्लैक आएंगे, वो स्प्लिट ऑफ पेल फेलो हो जाएंगे। सही है।
मेरे पास लगे हैं कोई 11 पेयर्स हैं। 11 पेयर्स हैं जी बिल्कुल माशाल्लाह से 11 पेयर्स। इसमें हमें ये भी बताते चले आप ब्रीडिंग सीजन जैसे कि स्टार्ट हो रहा है इस सीजन में आप कितने क्लच लेना चाह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफ़ा तो मैंने क्लच थोड़े ज़्यादा ले लिए थे। अच्छा, पर इस बर्ड को कोई फर्क पड़ा? अल्हम कोई फर्क नहीं पड़ा आपके सामने है तो कहते हैं ना ज़्यादा क्लच ले ले तो बर्ड को फर्क पड़ जाता है उसकी ब्रीडिंग का। सर जी ज़्यादा फर्क तब पड़ता है जब हम लोग डाइट उनकी अच्छी नहीं करेंगे, कैल्शियम अच्छे नहीं, विटामिन अच्छे नहीं होंगे। जब आपके ये चीज़ें सारी प्रॉपर हो रही हैं बर्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना है। जैसे इंसान अगर अपनी डाइट अच्छी रखे तो वो 50-60 साल में जवान होता है, वो दूसरी शादी का तीसरी शादी करने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, कौन सा वाला पेयर लगाइए? ये भी है, ये भी सेम पेयर वो ओप्लाइन की वर्किंग है। ये भी हाँ जी, ये भी ओप्लाइन की वर्किंग के लिए पारब्लू सेपरेट पेल फैलो की, इसके अंदर पारब्लू ओप्लाइन सेपरेट पेल फैलो की है ना, और पारब्लू सेपरेट ओप्लाइन सेपरेट पेल फैलो का मेल है इसके अंदर। नल जी आप कैमरे में देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे क्वालिटी बर्ड लगे हुए हैं। कैमरे पे हर बर्ड को दिखाना मकसद ये होता है कि आप इसकी क्वालिटी चेक करें। माशाल्लाह से क्वालिटी को देख के ही इंसान जो बर्ड लवर हैं उनको पता चल जाता है बर्ड की क्या क्वालिटी है ये। नेक्स्ट ये भी पेल फैलो लगा हुआ है जी, पेल फैलो ऑफलाइन की वर्किंग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके आगे वाला भी है ऑफलाइन का है। ये मिस्टी पार ब्लू है, पॉसिबल ऑफलाइन है, पॉसिबल पेल फैलो है। ये ग्रीन मिस्टी ऑफलाइन सेपरेट ब्लू और पार ब्लू पेल फैलो की वर्किंग के लिए ये वाला बर्ड भी लगा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये भी ग्रीन ऑफलाइन सेपरेट ब्लू पार ब्लू और ये पार ब्लू सेपरेट ऑफलाइन पॉसिबल पेल फैलो की वर्किंग का बर्ड है। ये भी पेल फैलो की वर्किंग का बर्ड है, ये ऑफलाइन की वर्किंग का बर्ड नहीं है ये वाला, ये सिंपल है। ये ऑफलाइन की वर्किंग का बर्ड है, ये ऑफलाइन की वर्किंग का बर्ड है। इस दफ़ा भाई आप कौन सी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जो ज़्यादा आपका दिल है कि इस दफ़ा मैं ये प्रोड्यूस करूँगा? मैं असल में मुझे शौक ही रेड है इसका, प्रोडक्शन भी बहुत कम है इसकी, ब्रीड करवाना एक तो सर्वाइवल रेशो बहुत कम है, रेड आई की बहुत एक्सपायर होते हैं। अच्छा, मेरा एक जुनून है, मुझे भी कम है इनकी। बिल्कुल मुझे बस जुनून है कि मैंने रेड आई ब्रीड करवाना है, बस मेरा ये फोकस। मतलब ब्लैक आईज की नस्बत ज्यादा ये जो रेड आईज हैं वो इम्यूनिटी में वीक है, वो बिल्कुल वीक है, एक्सपायर चांस ज्यादा है। सही हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपने क्रीमिनो और अल्बाइनो लगाए हुए हैं? ये क्रीमिनो इनटू अल्बाइनो लगाए हैं। अल्बाइनो ब्लैक है, सेपरेट रेड है, इसकी फीमेल्स हैं मेल्स हैं ठीक है, और क्रीमिनो के मेरे पास मेल फीमेल यानी कि इस तरह के मैंने 6 पेयर लगाए हैं। मैंने कोई 7 पेयर लगे हैं, एक ही तो फीमेल उड़ गई है, 6 पेयर अवेलेबल है जो प्रॉपर पेयर बने हुए हैं जो रेडी टू ब्रीड है। जो क्वालिटी है 7 या 6 पेयर की वो सेम है क्वालिटी? अल्हम्दुलिल्लाह सेम आपके सामने है। होम ब्रीड के हैं मेरे, ये होम ब्रीड के हैं। ये वाला पेयर कौन सा लगा हुआ है ये दिखाइएगा, मेरा कैमरामैन जरा इधर आइएगा। ये कौन सा है? ये ब्लू मिस्टी स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है। सही हो गया। और उसके पीछे है ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट पार ब्लू की फीमेल है। सारे बच्चे मुझे पार ब्लू आते हैं इसके अंदर। पार ब्लू और जो आप पेल फैलो का वर्क कर रहे हैं इसमें क्या कितनी की प्राइस है, कितनी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है इसमें पेल फैलो के अंदर? पेल फैलो और दूसरा पार ब्लू। देखें पार ब्लू का हर साल इसी तरह ही होता है, रेट कम होते हैं, प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा आएगी ऑब्वियसली रेट उतने ही कम हो जाएंगे ठीक है। इसलिए कहते हैं कि अपने शेड को एक्सटेंड करना है, न्यू से न्यू म्यूटेशन इसके अंदर ऐड होनी चाहिए आपके शेड के अंदर। पार ब्लू को ही अब बताना तो नहीं चाहिए, यहाँ पर रेट हर एक का रेट अपना अपना होता है। मतलब कि इतने में एक होता है 20 यानी कि बस 20 प्लस भी हो रहा है। पेल फैलो जो है, पेल फैलो ग्रीन पेल फैलो है, बाइजन 70 का भी सेल हो रहा है, 80 का भी सेल हो रहा है, 50 का भी सेल हो रहा है, क्वालिटी के हिसाब से स्टैंडर्ड के हिसाब से है बर्ड का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आगे कौन सा पेयर दिखाने वाले हैं हम नाज़रीन को अपने? इसका क्रीमिनो का दिखा दिया, ये वाला कौन सा पेयर है जी? ये हमारे पास है जी ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फैलो का मेल है इसके अंदर, पार ब्लू स्प्लिट पेल फैलो की हैन है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरा ये लवली पेयर है ये वाला। सही है, मतलब जो आपके हर क्लच के अंदर मुझे ये पेल फैलो ऑफलाइन लाजमी देता है ग्रीन है। ये स्प्लिट ब्लू नहीं है, मेल मेरा है सिंपल है, पुराना आपका पहले भी आपके साथ। ये पिछले सीजन ही मैंने लिया था, मोहसिन भाई से लिया था गोजरे वाले। सही सही, तो ये मैंने उनसे लिया था, वो उस्ताद है हमारे जी, ये उनसे लिया था। माशाल्लाह से उस्तादों के तो दी हुई चीजें तो जान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नेक्स्ट वाला पेयर कौन से वाला है जी? ये ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू पार ब्लू का मेल है और स्लेटी पार ब्लू की हैन है। ठीक हो गया। इसका क्या, इसमें से क्या प्रोड्यूस करने जा रहे हैं? स्लेटी ऑफलाइन के चिक्स।
मेल फीमेल बोथ। नेक्स्ट वाला कौन से वाला, वो वाला लगा लास्ट में, ये जो सा लगा, ये ग्रीन फिशर स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है और इसके साथ पार ब्लू यूविंग की हेन है। ठीक हो गया। इसमें से क्या पार्ट यूज करेंगे आप? इसके अंदर से जितने भी फीमेल्स आनी है, उपलाइन आनी है, जितने भी मेल आने पॉसिबल स्प्लिट्स उपलाइन होने। अब मैं फ्लाइट केज में छोड़े हुए हैं कुछ बर्ड, ये मेल है या फीमेल्स है सारी? ये सारी फीमेल्स हैं, ये फीमेल्स हैं, ये मैंने सारी छोड़ी हुई है, ये फोर सेल ही है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा जो सी बच गई है, ये है ब्रीडर है मेरी फीमेल पिछले साल की है, इनके अब जो थे मेल थे तोड़ के मैंने उपलाइन की विजुअल फीमेल्स दे दी है मैंने। या कोई परचेज करना चाहता है तो से बात करके ये करें। ये भी फ्लाइट केज में छोड़े हैं, ये भी फीमेल्स हैं, ये माशाल्लाह सारी फीमेल्स हैं, डीएनए एचएस लैब्स की सारी फीमेल्स हैं, फर्स्ट क्लच की हैं, एज तकरीबन 9 माह 8 9 8 9 फर्स्ट क्लच की हैं ये। सही हो गया। इनमें से कौन कौन से पड़े हैं फीमेल से, कौन कौन सी क्वालिटी के? मेरे पास पार ब्लू में है, ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू की फीमेल है, वायलेट ऑफलाइन है, ब्लू यूविंग ऑफलाइन है, ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू है, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू है, ब्लू ऑफलाइन है, ऑफलाइन की वर्किंग के ज्यादा बर्ड है। अच्छा श्वेत भाई, जैसे कि आप कहते हैं ना मतलब ये भी फॉर सेल है, इसमें इसकी भी कोई सेल लगती है कि नहीं लगती? सेल लगती है, लोग लगाते हैं, कोई आउट सीजन में सेल लगती है, 50% डिस्काउंट पे आ गए। हाँ जी, ये इस तरह होता है, न्यू फैंसर को फायदा हो जाता है, बिल्कुल ये इस तरह होता है, बिल्कुल होता है। जैसे कि ना हमारे इंसानों में फीमेल्स की रेशो ज्यादा हो गई है आजकल, मेरे ख्याल से आपके बर्ड की भी फीमेल की रेशो ज्यादा है। मेल की रेशो ज्यादा है, ये नीचे अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेल लगे हुए हैं। देखिए ना मेल की रेशो कितनी है और फीमेल की रेशो कितनी है। मेल मैं आपको बताता हूँ, मेल मैंने एक्चुअली मैं सेल ही बहुत की है। अच्छा, मेल सेल, मेल की डिमांड ज्यादा होती है फीमेल से ऑफलाइन में। सही हो गया। ऑफलाइन मेरे पास निकले थे वो माशाल्लाह सारे सेल हो गए। मतलब लव बर्ड में कोई जैसा कि मुर्गियों में होता है, चार मुर्गियां छोड़ दी एक मुर्गा छोड़ रहा, इसमें ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर ये अगर इस तरह होने लग जाए तो सारी दुनिया फिर ब्रीड करवा देगी। नहीं, मे बी नेक्स्ट आने वाले वक्त में ऐसा सीन हो कि एक मेल छोड़ा और चार फीमेल छोड़ी। नहीं, इस तरह नहीं होता जी, इस तरह नहीं होता, इसमें नहीं है ऐसे। मैं अगर इनको आप मुर्गियों के साथ ना मिलाएं, मैं करूंगा ना फिर, मैं इस पे एक्सपेरिमेंट करूंगा। अच्छा, ये भी फ्लाइट केज में आपने छोड़े? अच्छा, ये मेरे, हाँ जी, ये छोड़े हुए हैं मैंने फ्लाइट केज में, ये तकरीबन इनकी एज है तकरीबन मैक्सिमम 6 मंथ। फीमेल है, ये सारी फीमेल्स हैं, डीएनए है, सेम वर्किंग के लिए। ये भी आपके लिए फोर सेल, ये भी फोर सेल, ये नीचे जितने भी ये मेल हैं, ब्लू यूविंग स्प्लिट ओपलाइन ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू के मेल्स, ग्रीन फिशर स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट ब्लू के मेल, माशाल्लाह से बहुत ही क्वालिटी के बर्ड लगे हैं, बहुत अच्छा शेड आपको विजिट करवा रहे हैं। ये नेक्स्ट वाला ये लगा हुआ है ऊपर, ये वाला कौन सा पेयर है? ये है जी पार ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है, डीडी ब्लू यूविंग की है ना ऑफलाइन में, मेल फीमेल दोनों ऑफलाइन के अंदर आएंगे, मेल फीमेल। सही है। ऊपर वाला कौन सा है? ये ग्रीन यूविंग स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू पार ब्लू का मेल है और पार ब्लू ऑफलाइन की है ना, इसके अंदर मेल फीमेल ऑफलाइन की वर्किंग के लिए बर्ड है ये। अच्छा श्वेत भाई, माशाल्लाह से आपका अल्बाइनो के पैसे, अल्बाइनो का आपने थोड़ा सा बताइए कि अल्बाइनो में कोई पेयर नहीं लगाया इतने ज्यादा आपने? अल्बाइनो के अंदर मैंने पेयर लगाए हुए लेटिनो पर्सनाटा इन टू अल्बाइनो रेड आइज लगाए हैं, सेपरेट ब्लू है लेटिनो पर्सनाटा, ठीक है, सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पेयरिंग ये देखें, एक वन एक पेयर है, क्रिमिनो के साथ लगाए हुए हैं, जैसे 6 पेयर 7 पेयर कह रहे थे। नहीं नहीं, ये तो क्रिमिनो की ये वर्किंग है, ये अलग है, ये अलग, ये पर्सनाटा ये सिर्फ अल्बाइनो रेड आइज और लेटिनो पर्सनाटा की वर्किंग के लिए, एक बार 1 2 3 4 5 सही हो गए, वो फिर 6 7 11 पेयर इसके भी मैंने लगाए हुए हैं, पर अल्बाइनो के लिए मुझे कोई कॉल ना करे, अल्बाइनो का पीस मेरे पास बिल्कुल नहीं है अवेलेबल, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, ना ब्लैक आइज में है ना रेड आइज में, टोटली स्टॉक सेल हो गया। सही हो गया। शेड में अभी और भी काफ़ी सारे पेयर्स लगे हुए हैं, माशाल्लाह से दिखाने लगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाए। नाज़रीन, हम श्वेत भाई से पूछेंगे कि जो न्यू फैंसियर जो लव बर्ड का काम करना चाहते हैं उनके लिए कोई पैगाम, कुछ अच्छा सा कोई वर्ड, कोई उनके लिए गाइडलाइन आप देने चाहें तो दे सकते हैं सर। सर जी, न्यू फैंसियर के लिए यही पैगाम है, आएँ, बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छा बिजनेस है, कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जितना प्रॉफिट ये देता है, उतना कोई और बिज़नेस नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर आए ख़वातीन भी आई हैं, मैंने माशाल्लाह सेटअप भी लगवा के दिए हैं अपने 4 फ्रेंड्स को, माशाल्लाह वो भी बहुत खुश हैं। सही हो, ठीक है। और सबसे पहले काम को सीखें, काम को सीख के थोड़े से शुरू करें, ना कि आप सबसे हैवी इन्वेस्टमेंट कर लें, 2 लाख लगा के कोई 5 6 पेयर ले लें, जिनके पास कम पैसे हैं वो कोमल लेटिनो ले लें, लाख के अंदर स्टार्ट कर लें, यहाँ से स्टार्ट करें, अगर उनको काम समझ में आए तो ये करें, यह हर एक काम बस का काम भी नहीं है ये। ताहर शेख साहब की बात एक बहुत अच्छी है, दिलेर आदमी का काम है, हौसले वाले का काम है ये, तो ये काम इसी तरह के चीज का काम करना बहुत दिलेर वाले का काम है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप मिसाल दे रहा हूँ, आप 1 लाख का पेयर ले लेते हैं, इतनी कैपेसिटी नहीं, आप ले लेते हैं कि नहीं मैंने करना है,
ये मत सोचे कि आप 1 लाख लगा रहे हैं आपको 2-3 लाख आएगा, ये भी आपने सोचना अगर मर गया तो फिर क्या मेरा बनेगा। तो ये चीजें काउंट करती हैं बहुत ज्यादा। मैं तो बड़े तरीके से चलाऊँ, बड़े हिसाब से चलाऊँ, माशाल्लाह अल्लाह पाक आपके काम में बरकत दे। नाज़रीन आपने देखा कि ये जितने भी फैंसियर के पास जाते हैं वो सबसे पहले जो नई न्यू फैंसियर हैं उनको यही तलकीन करते हैं कि छोटे बर्ड पे काम शुरू करें, सीखें, फिर नेक्स्ट लेवल पे आए। वरना आप दुनिया में और बिजनेस देखेंगे, कोई भी बिजनेसमैन कहेगा ले अब 10 लाख 20 लाख मैं तुम्हें अपना बढ़ देता हूँ, अपना काम देता हूँ, ये स्टार्ट कर ले। माशाल्लाह से ये इनकी खासियत है कि ये जिसको भी बताते हैं वो कहते हैं छोटे बर्ड पे से स्टार्ट करें काम, इसकी नेचर को समझें, इसके ट्रीटमेंट कैसे करना है, बीमार है तो कुछ भी, ये सारा कुछ समझ के नेक्स्ट लेवल पर चलें। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कॉन्टेंट है, ऐसी कोई वीडियो है तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी वीडियो को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अपने मेज़बान इज़बान अली राणा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।